बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हमीद एशियन किचन। मैं हूं आपका शेफ अमीर बख्श। आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो है ड्राई गोश्त, मतलब सूखा गोश्त। तो इसको पहले मैंने उबाल लिया, तो उसके बाद उसमें जैसे जैसे स्पाइसेस मैं डालता जाऊँगा आपके साथ शेयर करता जाऊँगा। और इस रेसिपी में आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, मैं समझता हूँ कि 8 से 10 मिनट, और ये गोश्त आपका बड़ा उम्दा, लजीज और इंशाल्लाह बड़ा टेस्टी होगा। तो उसमें मैंने ऐड किया है कुकिंग ऑयल, उसके बाद में मैंने ऐड किया है गोश्त। तो गोश्त को ज़रा फ्राई कर लेंगे, क्योंकि बहुत लोगों के पास मतलब ये कि कोयले वगैरह अवेलेबल नहीं होते, तो इसीलिए मैंने ये रेसिपी बनाई है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगी। क्यों, गोश्त फ्रंट मैंने पहले उबाल लिया है, तो उसके बाद जैसे इसमें कुछ फ्राई कर रहा हूँ ताकि इसमें स्मेलिंग वगैरह जो वो कम्प्लीटली निकल जाए। तो इसके बाद जो स्पाइसी मैं शेयर करता जा रहा हूँ वो आपके साथ शेयर करता जाऊँगा। इसमें मैंने डाल रहा हूँ सूखा धनिया, गरम मसाला, लाल मिर्च, अदरक, लहसुन, अदरक, गरम मसाला, हल्दी पाउडर और कुछ ग्राइंड किया हुआ सूखा धनिया। ठीक है ना फ्रेंड, तो आप इसको जैसे फ्राई करते जाएंगे तो उससे मज़ीद अच्छी बड़ी टेस्टी उमदा खुशबू उठती रहेगी। और जैसे जैसे गोश्त हमारा ब्राउन होगा तो आप ऐसे लगते हैं कि जैसे किसी चूल्हे पे आपने जैसे कबाब या टिक्के वगैरह इसी किस्म का आपको फील होगा, तो बड़ा ही उमदा और टेस्टी बनता है। तो एक बार ज़रूर आप ट्राई करें, इंशाल्लाह बड़ा लजीज उमदा और ऐसे लगता है कि जैसे किसी चूल्हे के ऊपर आपने बनाया, देखे गोश्त हमारा ड्राई हो रहा है और ये मज़ीद और ड्राई होगा, रेड होगा। तो जो रेसिपी मैंने इसमें डाली है वो मैंने आपके साथ शेयर की है। हल्का सा गरम मसाला, लाल मिर्चें, हल्दी पाउडर, अदरक लहसुन, सॉल्ट, हसब ज़ायका ये मैंने इसमें डाली है, कुछ ग्राइंड किया हुआ धनिया। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपी मेरी आपको बहुत पसंद आएगी। देखें आराम आराम से गोश्त जो हमारा वो बिल्कुल ब्राउन हो रहा है, ऐसे लगता है कि किसी सिगड़ी को उसके ऊपर बनाया। तो ज़्यादा टाइम भी इसमें आपका वेस्ट नहीं होगा, वो गोश्त ड्राई तकरीबन हो चुका है। और तमाम मेरे बहन भाइयों से एक ही मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि मेरा चैनल नवा है, मुझे आप लोग की साथ की। और भाइयों ये थी हमारी रेसिपी जो आज मैंने आपके साथ शेयर की। आई होप आप लोग भी ट्राई करोगे, इंशाल्लाह एंजॉय करोगे। एक ही रिक्वेस्ट है बहन और भाइयों से कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह पाक आप लोगों को शाद रखे, आबाद रखे। बहुत शुक्रिया।